नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चली शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ओबेदुल्लागंज में शिक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्राथमिक शाला तुमड़ा खेड़ा में शिक्षक समय से शाला ही नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चे स्कूल की क्लासरूम की साफ सफाई करते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, ना विद्यालय की साफ सफाई होती है। शौचालय 6 महीने से बंद पड़ा है। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन लापरवाह शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये समस्या सर कि मैडम टाइम से आना चाहिए और मैडम की जगह हमको एक सर दो, ये समस्या है। और मैडम एक तो बिल्कुल भी टाइम से नहीं आती है, दो मैडम जो है मोरे मैडम और सुनीता मैडम, आज 35 साल है सुनीता मैडम को, बराबर आ रही है पढ़ाने के लिए और टाइम से भी आती है। और बेचारी बहुत डरती भी है वो हर बात से, लेकिन जो क्या बोलते हैं रीता मैडम वो 12 बजे आती है, कभी तो कितनी वक्त आती, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाती है, इसके बाद में फोन पे लग जाती है तो घंटों घंटों बीत जाता है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या बोलती है कि मेरा क्या उनका बिगाड़ है, मेरा फोन क्या बिगाड़ है, फोन क्या बिगाड़ने का मतलब क्या होता सर। पूरे भोजपुर विधायक सभा में हालत ये है कि जब बिना काम करे विधायक जी को वोट मिल रहा है तो काम करने की आवश्यकता ही वो महसूस नहीं करते हैं। ये तुमड़ा ही खेड़ा का मामला नहीं, पूरी भोजपुर विधानसभा के अंदर जैसे सैकड़ों गांव है यहाँ स्कूलों की स्थिति खराब है। या तो गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो मध्यान्ह भोजन नहीं है। इसी तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो पूरे भोजपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूरे अधिकारियों की पोस्टिंग यहाँ पैसे ले लेके की जा रही है। उस अनियमितता को हम अपने जनशिक्षक के माध्यम से उस अनियमितता का परीक्षण करवाएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि MDM क्वालिटी वाला नहीं है या शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो उसके लिए जो निश्चित शिक्षा संहिता के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, उसकी जाँच कराई जाएगी और आपको अवगत कराएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ओबेदुल्लागंज का जो ये स्कूल है, यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला है, यहाँ पर शिक्षा के दावों की जिस प्रकार से पोल खुलती नजर आई है, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कब से ये ऐसा चल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से जो है शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि कल जब हमारी टीम इस ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी तो वहाँ पर शिक्षक समय पे स्कूल नहीं पहुँचे थे। हमने जब वहाँ के बच्चों से बात की तो उनका कहना था कि शिक्षक जो है 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं और 2-2.5 बजे चले जाते हैं। और शिक्षा का स्तर इतना बेकार है वहाँ पे कि जो बच्चे हैं उनको सही से अपना नाम लिखना भी नहीं आता। 5वीं क्लास तक का ये स्कूल है, एक वन ग्राम्य ब्लॉक ओबेदुल्लागंज के अंतर्गत आने वाला तुमड़ा खेड़ा जो कि वन ग्राम है, और यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वो सब महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक कोई भी नहीं है, और सारे शिक्षक समय पे भी नहीं पहुँच रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं इस बात के कि यहाँ तो ना मध्यान्ह भोजन मिल पा रहा है बच्चों को, ना ही उनको उचित शिक्षा के प्रावधान यहाँ पे हैं। प्रशासन से जब इस संबंध में बात की तो सब जो है जाँच की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी इस तरह की शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं, अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई इन शिक्षकों पे नहीं हुई, ना ही यहाँ पे किसी अन्य पुरुष शिक्षक की पद स्थापना की गई है। स्थिति की बहुत दुर्दशा है यहाँ पे। शिक्षा जो है शिक्षक बिल्कुल शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षक जो हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं निभाई जा रही है। अमित, ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अब ये मामला जो है आपने संज्ञान में लाया है, इसके बाद कोई अधिकारियों की इस पर प्रतिक्रिया मिल पाई है कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी इन शिक्षकों के खिलाफ? कल फोन पर जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी, उनका कहना था कि उचित रूप से कल मैं जन शिक्षक को यहाँ भिजवा करके और बाकायदा जांच करवाऊंगा, अगर इस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं तो वैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। वहीं भोजपुर विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्रांत राय का भी आरोप है कि मामला सिर्फ तुमड़ा खेड़ा है का ही नहीं है, ये पूरी भोजपुर विधानसभा में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की यही स्थिति है। कहीं पे शिक्षक नहीं है, कहीं पे मध्यान्ह भोजन ठीक नहीं मिल रहा है, और अधिकारी जो भी है वो सब मौन बैठे हुए हैं। कोई किसी प्रकार की ना तो कभी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, ना कभी जांच करते हैं और ना कभी कार्रवाई करते हैं।
बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आपने बताया ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, इस तरीके की तस्वीर हर जगह से नजर आ जाएगी, लेकिन क्या फिर उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की गई है या फिर उच्च अधिकारियों का भी संरक्षण जो है अपने से निचले स्तर के अधिकारियों को प्राप्त है, इसलिए इस तरीके के हालात जो हैं स्कूलों में हैं? बिल्कुल पूनम, मैं यही एक विडंबना इस क्षेत्र की है कि यहाँ पे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी अपने कनिष्ठ कर्मचारियों का सहयोग करते नजर आते हैं और सभी एक दूसरे के सहयोग में लगे रहते हैं। कभी कोई शिकायत अगर वरिष्ठ अधिकारी के पास जाती है तो वह उस शिकायत को सुन के और अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती। ग्रामीण इस विषय में कई बार शिकायत कर भी चुके हैं। अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इन क्षेत्रों में सिर्फ चुनाव के टाइम ही पहुंच पाते हैं, तो स्थानीय जो ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक हैं या जनपद सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे भी शिकायत करने के बाद भी आज ये आते नहीं। जब चुनाव आते हैं तो एक बार आते हैं, वोट मिलते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो जनप्रतिनिधि भी इन सब की अनदेखी कर रहे हैं और वहीं अधिकारी इसका भरपूर फायदा उठाकर अपने नौकरी कर रहे हैं बाकायदा एसी कमरों में बैठ के। जी शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ ये शिक्षक कर रहा है, और न सिर्फ ये शिक्षक बल्कि पूरा सिस्टम ही कह सकते हैं, क्योंकि अमित ने बताया कनिष्ठ अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी सिर्फ खाना पूर्ति जाँच के नाम पर की जाती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को दाव पर यहाँ पर लगाया जा रहा है और अपनी जो है अपना पल्ला अपनी जिम्मेदारियों से अच्छे तरीके से ये शिक्षक भी झाड़ रहे हैं और अधिकारी भी।